नमस्ते, माधवी न्यूज रे अंगणित MCQ 2020 क्वेश्चन नंबर 8। किसी निश्चित ब्याज दर से किसी मूलधन का मिश्र धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, उसी ब्याज दर से उसकी मूलधन का मिश्र धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो पहला है, किसी निश्चित ब्याज दर से किसी मूलधन का मिश्र धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। इसे हम बैठाते हैं पहले, तो सरल ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। तो भैया यहाँ पर ब्याज दर से किसी मूलधन का मिश्र धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो समय 20 दोगुना हो जाता है, अर्थात बैंक को हमने 1 रुपया दिया, बैंक ने हमको 2 रुपया दिया, जिसमें 1 रुपया मेरा ही था, 1 रुपया अपने से दिया, अपने से जो दिया वो ब्याज हो गया, तो 1 लिख देंगे। दोगुना का मतलब ये हुआ, 1 दिए वो 2 दिया। अब यहाँ पर दर का मान नहीं मालूम है तो निकाल लें, तो हम ये 0 से 0 काट दिए, 2 5 10, 5 एकम 5, दर हो गया 5%। अब बोला उसी ब्याज दर से, मैंने ब्याज 5% ब्याज दर से उसकी मूलधन का मिश्र धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, अर्थात बैंक को हम 1 रुपया देंगे तो बैंक हमको 3 रुपया देगा, 2 रुपया ज्यादा देगा। तो फिर सूत्र बैठाएंगे, सरल ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। तो उसी ब्याज दर से दर हो गया 5, बैंक को हमने दिया 1, बैंक ने हमको दिया 3 रुपया, 2 रुपया ज्यादा दिया, तो सरल ब्याज 2 हो गया, ये 3 गुना इसका मतलब। तो समय निकालना है, तो 5 से काट देंगे, 5 × 10 20 हो गया, तो 20 यहाँ 2 है, 20 × 40 समय हो गया 40 वर्ष। तो मित्रों ये जो सवाल है दो बार लिखना पड़ा सूत्र, ऐसा 21 सवाल है और ये 8 नंबर है, ऐसा और कोई दूसरा नहीं है। धन्यवाद, पूरा हुआ।